देखिए आज के रेसिपी में मैं बनाई हूँ देसी चिकन, बिल्कुल देसी स्टाइल में, जिसे मैं सर्व की हूँ रोटी चावल सलाद और बिहारी निमकी के साथ। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के रेसिपी में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ देसी चिकन, देहाती मुर्गा। तो ये देखिए आधा किलो देसी चिकन है और इसे मैं एकदम बिल्कुल देसी तरीके से ही बनाऊंगी जैसे गांव देहात में बनता है। तो इसके लिए मैं चार बड़े बड़े प्याज काट के ली हूँ। प्याज आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं ज्यादा ली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे प्याज का ग्रेवी ज्यादा पसंद करते हैं, चिकन से ज्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं। प्याज आप कम से कम आधा किलो चिकन है तो मिनिमम आप 250 ग्राम तो जरूर आप प्याज लीजिएगा और मैक्सिमम 400 ग्राम ले सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम पहले कुकर गरम करके रखे हैं। तो देखिए कुकर गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब तेल भी गरम हो गया है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं और 2-3 छोटे छोटे तेज पत्ता। अब इसमें प्याज डाल के गोल्डन होने तक भूनते हैं और अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो पसंद आता हो तो चैनल लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी प्रकार हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है, प्याज जल्दी फ्राई होता है। ये स्पेशल टिप्स है प्याज फ्राई करने का, प्याज में नमक डाल दीजिए जल्दी फ्राई हो जाएगी। अब इसे बढ़िया से एकदम गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं। तो देखिए लगभग 5 मिनट भूनने के बाद, 5 से 7 मिनट भूंजे हैं, उसके बाद एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए कितना सुंदर प्याज का कलर हो गया है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है मेरे में, किचन में थोड़ा सा लाइट उल्टे तरफ है इसलिए थोड़ा सा मेरे को दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका भी उपाय किया जाएगा लेकिन धीरे धीरे। अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्याज में तेल कम है तो इस प्रकार प्याज को बीच में करके और तेल डाल सकते हैं, लेकिन मेरे में तेल कम नहीं है। देखिए तेल ऑलरेडी दिख रहा है इसलिए मैं तेल नहीं डालूंगी। आपको लगे कि कम है तो डाल दीजिएगा एक ही बार इसी में। अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके ढक ढक के थोड़ा कम आंच पर भूनेंगे। अब इसमें अच्छे से कलर आने भर हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, क्योंकि हल्दी और नमक जब तक नहीं डालते हैं तो कोई भी चीज अच्छे से भुंजाता नहीं है। नॉनवेज में थोड़ा हल्दी ज्यादा ही पड़ता है, सब्जी से थोड़ा तो ज्यादा ही पड़ता है। और नमक डालते हैं क्योंकि आधा चम्मच तो हम डाल दिए थे प्याज में भी, तो चिकन में सोच समझ के ही डालेंगे उसी के अनुसार। और मैं चिकन कुकर में इसलिए बना रही हूँ, ये नहीं इसलिए नहीं कि कम है, इसलिए बना रही हूँ कि ये देसी चिकन है और कढ़ाई में जल्दी पकेगा नहीं। तो भूनने के बाद अगर हम डायरेक्ट कुकर में ही शुरू करिए कि भूनने के बाद ऐसे फिर से हमको कुकर लगाना पड़ता, तो हम डायरेक्ट इसी में लगा दिए और कुकर में भूनने के बाद 1 सीटी में पक जाएगा चाहे 2 सीटी में। देसी चिकन बिना कुकर में पकाए ठीक से नहीं पकता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हम लिए हैं देखिए 1 इंच टुकड़ा अदरक,
और पूरा एक साबुत लहसुन, मतलब 15 कली लहसुन मान के चल सकते हैं। और इसका हम पेस्ट तैयार करते हैं। इसको हम भूनते रहते हैं चिकन को ढक ढक के। अब इसमें डालने के लिए धनिया और पाउडर और मिर्ची पाउडर का मसाला तैयार करती हूँ। इसमें हुआ ये 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर ज़्यादा नहीं लेना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है, जितना आप पसंद करते हो। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। सूखा डालने से क्या होता है ना, जल्ला जैसा हो जाता है। थोड़ा सा गीला करके ही लीजिए कि मसाला अच्छा से भून जा जाए। पानी थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा इसको मिक्स करने में तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और थोड़ा सा लूंगी। अब इसे चिकन में डाल के फ्राई करते हैं। मसाला को हम जैसे मिक्स किए थे वैसे डाल देते हैं। अभी सिर्फ धनिया मिर्च दिए हैं। अभी इसे 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद फिर दूसरा मसाला देंगे। मसाला वाला प्लेट को फिर पानी से धो करके जार डाल दे रहे हैं, जिससे कि मसाला वेस्ट ना हो। अब इसे ढक ढक के फिर से फ्राई करते हैं। अब वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो अभी हम लिए हैं 2 साबुत लहसुन, जिसे हम बढ़िया से फ्रेश करके धो करके लिए हैं, और एकदम अच्छा वाला देखें कि जिसमें अंदर सूखा वाला ना हो, गंदा वाला ना हो। किसी किसी में काला और सूखा रहता है ना, तो मैं इसे इसमें डाल के फ्राई कर रही हूँ। इससे ना बहुत लहसुन भी बहुत अच्छा हो जाता है और चिकन भी बहुत अच्छा, एक अलग फ्लेवर आता है इसका, ये साबुत लहसुन का। अब अभी तो जाड़ा भी है, ऐसे भी लहसुन और अदरक थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए जाड़ा में। चलिए इसे अभी और हम 5 मिनट तक ढक ढक कर भूनते हैं। तो देखिए 3 से 4 मिनट भून लिए हैं। अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा मिक्सी का जार को धो करके पानी डाल देंगे, 1-2 चम्मच। जार में जो लगा हुआ है अदरक लहसुन वो भी धुल के चल जाएगा और मसाला भी अच्छा से फ्राई होगा। थोड़ा सा पानी डाल डाल के फ्राई करते रहने से ना ज्यादा बढ़िया बनता है। अब पानी की जगह पर ज्यादा पसंद करते हो तेल डालते रहें, क्योंकि मैं तेल ज्यादा नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं पानी डाल डाल के फ्राई करती हूँ। अब इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डालती हूँ। ये 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर है जो कि मैं घर में बनाती हूँ, और इसमें 1/4 भाग जीरा के साथ गोल मिर्च मिला हुआ है। अब इसे फिर से 5 मिनट ढक ढक के भूनते हैं। ढक के नहीं भूनेंगे तभी अदरक लहसुन का जो खुशबू है बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसमें डालने के लिए गरम मसाला पीसने जा रही हूँ। आज मैं पीसा हुआ पाउडर नहीं डालूंगी। इसके लिए 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, ये थोड़ा सा दालचीनी है, ये जावित्री का फूल है, और 4 लौंग हैं, और ये गोलकी जैसा है, जो गोलकी नहीं है ये कबाब चीनी है, और सहजीरा मेरे यहाँ स्टोर में आज खत्म हो गया था, नहीं तो थोड़ा सा सहजीरा भी डालती। और जीरा गोलकी का तो मैं पाउडर ऑलरेडी डाल चुकी, तो इतना को मैं सिलबट्टा पे पीसती हूँ। जैसे गांव में सिलबट्टा पे पीस के लोग डालते हैं ना, मैं उसी प्रकार सिलबट्टा पे पीस के डालूंगी, क्योंकि पीसा हुआ पाउडर डालने से खुशबू, चूंकि ज्यादा दिन का पीसा हुआ था खुशबू उतना अच्छा आता नहीं है, तुरंत पीस के डालिए उसका कोई बात ही अलग हो जाता है, एकदम खुशबू अलग आएगी, और एकदम मतलब चिकन का, चिकन मटन जो भी हो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो चलिए इसे मैं सिलबट्टा पर पीस के लाती हूँ भूनते भूनते।
देखिए लहसुन का खुशबू भुंजाया हुआ पूरे घर में फैल गया है। खुशबू से ही पता चलता है कि मसाला फ्राई हो गया। अब इसमें हम पीसा हुआ गरम मसाला डाल देते हैं और साथ में पानी। पानी हम उतना ही डालेंगे जितना की जरूरत है। अब इसे हम थोड़ा सा हाथ से साफ कर देते हैं कुकर के इस ढक्कन को, नहीं तो ठीक से यहाँ पर मसाला लगा हुआ है, नहीं तो फिर सीटी नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, निकल जाएगा। इसे हाथ में पानी लगाते हुए और मैं ज्यादा प्रेशर नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये चिकन छोटा था। ये 500 ग्राम चिकन है तो 700 ग्राम का चिकन मुर्गी होगा, तो मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी, चूर हो जाएगा क्योंकि छोटा ही था। तो मैं इसे अच्छे से पक जाने तक पका लेती हूँ ढक्कन बंद करके, एक सीटी आने तक, उसके बाद मिलती हूँ। तो देखिए एक सीटी दे दिया है, मैं गैस को बंद कर दे देती हूँ और तब तक मैं, जब इसका प्रेशर निकलता है तब तक मैं रोटी और चावल भी बना लेती हूँ इसके साथ खाने के लिए, फिर मिलती हूँ। तो देखिए सीटी निकल गया है, तब तक मैं रोटी चावल सब बना ली। अब इसे मैं देखती हूँ, खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए ग्रेवी भी देखिए जरूरत के अनुसार ही हुआ है, जितना चाहिए जैसा चाहिए एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। हाँ पक भी अच्छा गया है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए सर्व करने के लिए हम चिकन चावल और रोटी निकाल लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा सलाद डालते हैं, और इसके साथ हम ऐड करेंगे ये बिहारी देसी नीमकी, जो कि कोई भी नॉनवेज खाना हमारा ये नीमकी के बिना संपूर्ण नहीं होता है। भले ही सलाद और नींबू ना रहे लेकिन नीमकी जरूर है। तो आपको मेरा ये ट्रेडिशनल चिकन देसी स्टाइल में कैसा लगा इसका रेसिपी, तो आप जरूर कमेंट में बताइए और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट देसी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।